पंजाब विधानसभा चोणां नेड़े आउंदे ही पंजाब सरकार नित दिन वड्डे फैसले लै रही है। अज फिर तो पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हो रही है जिस विच के वड्डे फैसले लेण की उम्मीद जताई जाण लगी है। ये मीटिंग 3 बजे होवेगी और उस मगरों मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मीडिया नूं संबोधन करनगे। इस संबंधी मुख्यमंत्री चन्नी ने अपने फेसबुक पेज से एक पोस्ट शेयर करके खुद यह जानकारी साझी की है। हालांकि फिलहाल ये नहीं दस्या गया कि यह फैसला किहड़ा होवेगा, पर मन्या जा रहा है इस बार चन्नी सरकार मुलाजमान नूं वड्डी राहत दे सकती है। कैबिनेट मीटिंग विच हजारां कच्चे मुलाजमान नूं पक्के करन नूं हरी झंडी दित्ती जा सकती है। दस दईए कि पंजाब कैबिनेट दी 7 नवंबर नूं होई मीटिंग विच भी इह एजेंडा लियांदा गया सी, पर तेल कीमतों च कटौती के फैसले कारण इस नूं कुछ समय लई टाल दिता गया सी। जिस तों बाद अज होण वाली कैबिनेट बैठक विच 30,000 कच्चे मुलाजमान नूं पक्के करन ते मोहर लाई जा सकती है। चोणां नेड़े ने तां पंजाब सरकार हर फैसले दा सियासी लाहा लैणा चाहुंदी है, जिस कारण हुण पंजाब विच ठेके ते काम करदे कच्चे मुलाजमां नूं रैगुलर करन दा फैसला लिया जा सकदा है। इह वी दस दईए कि इह मामला कई वरियां तों लटकिया होया है। कैबिनेट वल्लों वख-वख विभागां विच काम करदे करीब 30,000 कच्चे मुलाजमां दीआं सेवावां अज रैगूलर कीतियां जा सकदियां ने। यह भी दस दईए कि कच्चे मुलाजमान वल्लों लंबे समय तो वख-वख मुख्यमंत्रियों खिलाफ धरने दिते जांदे रहे ने अते इस दौरान उन्हां दीआं पुलिस नाल कई बार झड़पां भी हुईआं, जिस कारण ये कच्चे मुलाजम सरकारां अते मुख्यमंत्रियों के खिलाफ ही रहे ने। पर हुण 2022 दीआं चोणां तो पहलां सरकार इन्हां नूं अपने पक्ष विच करना चाहुंदी है, जिस कारण अज करीब 30,000 कच्चे मुलाजमान दीआं सेवावां रैगूलर कीतियां जा सकदियां ने। जी हाँ, इस वेले दी जो वड्डी खबर आ रही है वह यह है कि अज कैबिनेट की मीटिंग विच 30,000 कच्चे मुलाजमान नूं पक्के करन ते मोहर लाई जा सकती है। हालांकि इस बारे हाले कोई भी अधिकारिक जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, पर यह भी दस दईए कि पिछली कैबिनेट बैठक विच ये एजेंडा लियांदा गया सी, जिस तों बाद एक कयास लगाए जाण लगे ने कि अज इस एजेंडे ते आखिरी मोहर लाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।